इन्हें मंगोलियां समझकर ऐसा कुटना चाहिए कि फिर एक बार सीरीज रखने से पहले 100 बार नहीं 3 या 4 बार सोचें। दोस्तों, जिस तरीके से अब इंडिया में नेपाल, बड़ौदा और गुजरात के बीच SMS फ्रेंडशिप कप चलता आ रहा है, उससे देखकर ये लग रहा है कि शेर के सामने कछुआ दौड़ रहा हो। क्योंकि देखिए, उन दो टीमों यानी बड़ौदा और गुजरात के पास तो खोने के लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वे हार रहे हैं तो वे अपने आप को समझा दे रहे हैं कि चलो वो एक नेशनल टीम है, भला हम कैसे उनसे जीत पाएंगे। लेकिन एक बार सोचिए, किसी दिन अगर ऐसे गलती से एक मैच नेपाल हार जाती है तो उससे वो टीम 100 साल तक मोटिवेट होते रहेंगे कि हमने एक इंटरनेशनल टीम को हराया है। क्योंकि देखिए, क्रिकेट में हर दिन समान नहीं होते। ऐसे में तो अब जब वे नेपाल के साथ मैच खेल रहे हैं तो गांव में छाती चौड़ा करके घूम रहे होंगे कि हम एक इंटरनेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं। लेकिन माने तो इन चिल्लर टीमों को एक दिन मंगोलिया समझकर खेलना चाहिए। और जैसे मंगोलिया के सामने T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड लगाया था, उसी तरह एक मैच में इनको भी पटक पटक कर हवा टाइट करना पड़ेगा। बताएं कि नेपाल अब इस सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और एक लीग मैच भी बड़ौदा के खिलाफ बाकी है। और इस सीरीज के फाइनल के बाद नेपाल टीम ओमान को ट्रैवल करेगी, क्योंकि वहां 12 अप्रैल से ACC प्रीमियर कप का मैच शुरू होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि नेपाल इस साल एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।